उसके कान साफ कर रहा था और ये पीछे से कान वाली उसकी स्टिक लेके भाग गया। और आप सबके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज भी है, मैं दिखाता हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज हम मैक्स को नहलाने लगे हैं, जब से इसकी ट्रिमिंग की उसके बाद इसको नहलाया नहीं है, क्योंकि तब मौसम काफ़ी ख़राब था, बारिश वगैरह हो रही थी और अब तो आजकल धूप निकल रही है, सो इस वजह से मैंने कहा नहला देते हैं। पर उससे पहले इसके कान साफ करने हैं और नेल कट करने हैं। नेल भी काफ़ी बड़े हुए हैं और कान भी काफ़ी गंदे हुए हैं इस गंदे बच्चे के, सो वो जल्दी से क्लीन कर लेते हैं और नेल भी कट कर लेते हैं, उसके बाद नहलाएंगे। इधर तो देख, गुस्से हुआ एक तो इसके नखरे, तोबा है यार, ख़त्म होते ही नहीं है कभी। ये देखना, वो देखो मुंह फेर ही जाएगा अभी। इधर दिखा, नहीं गुस्से है, फुल गुस्से में है। अब वो देखो, पहले तो आप लोग देखते होगे ये, इसको इधर आने की पड़ी होती थी कि मैं वहाँ पे चढ़ूँ या उधर जाऊँ, और अब देखो अब उधर जा रहा है, गुस्से में है ना, इसलिए कह रहे मैंने नहीं इधर आना। मैक्स वो देखो, ये होते हैं साहब जी के नखरे। हम जल्दी से इधर से इसका सामान उठा लेते हैं, एक तो ये हो गया, उसके अलावा इधर नेल कटर और ये पोली फिक्स होगी, और साथ में ये 2 से 3 स्टिक्स ले लेते हैं। बस सामान हो गया पूरा, हम जल्दी से चलते हैं उसके कान साफ करते हैं, नेल कट करते हैं, नहलाने के भी लिए सच सामान निकाल लेते हैं। एक तो ये हो गया, उसके बाद ये टॉवल हो गया, और इधर से ये इसका ड्रायर हो गया। चलो और ये पॉलीफिक्स तो मैंने पहले भी बताया, ये कान के यूज़ के लिए होती है, अगर कान ज़्यादा गंदा हो तो ये पॉलीफिक्स लाजमी यूज़ करें, इससे कैट के कान में ज़ख्म नहीं होता और वो इजीली साफ भी हो जाते हैं। कान तो साफ कर दिए हैं, अब जल्दी से नेल कट कर देते हैं, अभी नेल कट करना बाकी है। जाके बैठ गए साइड पे, अभी तेरी जान नहीं छुटनी, सुनी मेरी बात, आजा जल्दी से इधर आ, नेल कट करनी है, फिर जल्दी से नई नई करनी है। मैं उसके कान साफ कर रहा था और ये पीछे से कान वाली उसकी स्टिक लेके भाग गया। ये देखो शर्म आती है, इधर दे, देखना अभी पता नहीं क्या है उसमें। वो देखो उसके स्टिक के पीछे पड़ गया, जान ही नहीं छोड़ रहा। मैं अब फिर उठाऊँगा, देखना फिर खींच लेगा। वो क्या खाना है तूने इसमें से? और नेल का भी मैंने बताया हुआ है, एक आगे वाइट हिस्सा होता है, सिर्फ वो कट करना होता है। ये देखिए इसके नेल कितने बड़े हुए हैं, ये देखिए नज़र आ रहे हैं, नेल नहीं कट करवाने होते, तो ये जो सिर्फ आगे वाइट हिस्सा होता है वो कट करना होता है, पीछे वाला पिंक हिस्सा अगर नहीं कट करना होता, अगर पिंक वाला कट कर दे तो ब्लड आने लग जाता है, तो ये केयरफुली कट करने हैं। आप सबके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है, मैं दिखाता हूँ अभी। हमारे पिजन्स ने दोबारा से एग दे दिए हैं, और इस बारी 2 दिए हैं, थोड़े से दिखा दो, वो देखो 1 और वो 2, इस बारी 2 एग दिए हैं, यानी कि इस बारी दोबारा से बेबी पिजन आएंगे और वो भी 2, पहले वाला बेबी पिजन तो देखे माशाल्लाह हमारा कितना बड़ा हो गया है। मैक्सू ओ मैक्स, मैक्स दोबारा से बेबी पिजन आएंगे, जो उसको अपनी पड़ी हुई है सिर्फ। बाकी मैं ये लाया हूँ, मिट्टी है और थोड़ा सा घास है, ये अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ये मिट्टी में काफ़ी खुश होते हैं, मैंने एक दिन ला के फेंकी थी तो काफ़ी खुश हो रहे थे ये। अब मैं फिर दोबारा ले आया तो थोड़ी थोड़ी फेंक देते हैं यार, थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। अरे ये क्या चीज़ है? तेरे काम की चीज़ नहीं है, तू पीछे हट जा। वो देखे फेंक दिए और कितना प्यारा लग रहा है, और अब ये भी देखना खुश हो के फिरेंगे, ठीक है हैं? बस आप ऐसे जल्दी जल्दी शेयर देते रहो, ज़्यादा सारे पिजन्स हो जाएं यहाँ पे। वो वाला भी अब बड़ा हो गया, अब उसके साथ भी कोई पार्टनर लाना पड़ेगा। चलो अब बंद कर देते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। और ये देखो ये दोनों कहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके रूम में क्या करने आया हुआ है तू? तू ये कोई शौक है उससे पंगे लेने का? मारेगा फिर वो तुझे भी। हम इधर से इसका शैम्पू और ये टॉवल उठा लेते हैं, नहाने ले कर जाते हैं।
और बहुत से भाई कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं मैक्स इतने आराम से कैसे बैठ के नहा लेते हैं, बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होता। तो इसकी वजह ये है, जब मैक्स को मैं लेके आया था तब ये तकरीबन 22 डेज़ का था, तो स्टार्टिंग में मैं इसे 1 वीक के बाद नहला देता था, तो इसकी आदत बनी हुई है 1 वीक के बाद नहाने की। तो अगर 1 वीक से ऊपर हो जाए तो इसे खुद भी प्रॉब्लम होने लग जाती है और ये फिर खुद कहते हैं बस मुझे नहला दो। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. A few minutes later. साहब जी को बैठे को देखो, जैसे कोई बच्चा बैठा होता है। चा बाहर आ जाऊं मैं? नहीं नहीं अंदर ही रह, अभी जल्दी से साफ करके ड्रायर करता हूँ। नहा नहो के ड्राई कर दिया, फिर आके विंडो में बैठ के ड्राई कर रहे। ये कम जगह वो कम जगह इसके लिए नहीं, विंडो में बैठ के करना है, इसकी यही फेवरेट जगह बन गई है। और अभी तो मैक्स की वाइफ भी आनी है। आप सब लोग कमेंट्स में पूछते हो मैक्स की वाइफ कब आएगी कब आएगी, तो वो भी बहुत जल्दी आने वाली है, तकरीबन ईद के फ़ौरन बाद आ जाएगी। अरे शर्मा गया लड़का, इधर तो देख शमो आ रही है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो चलो ये जब तक बैठ के खुद को ड्राई कर ले, मैं जल्दी से इसका लंच ले, अभी लंच देना है इसको। हैं खाना है, भूख लगी है? अच्छा अच्छा ला रहा हूँ, गुस्सा तो ना हो। ये देखा अभी पाँव गीले, ये बैठ के ड्राई कर ले अच्छे से, ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ। पिजन अभी इतने मज़े से नीचे बैठे हुए थे, और वो जो लैला है ना वो नीचे से घास उठा उठा के लेके जा रही है, वो एग के पास जमा करी जा रही है, वो अपना नेस्ट बना रहे हैं अच्छा सा। पहले भी मैंने ला के घास फेंका तो वो भी वो उठा के ले गए थे, नेस्ट बना दिए थे, वो देखिए बना रहे हैं। ये ले आए और इसे देखो, मैक्स खाना, भूख लगी है? हाँ भूख लगी हुई है बेचारे को। एक मिनट इसको साइड पे कर दो और ये लो। नहा के खा पी के अब बेचारा सोया पड़ा है, फुल टोन हुआ पड़ा है, अभी से कोई होश नहीं होगी जो भी इसके साथ हो ही जा रहा है। ये देखो दांत चेक करो, मुंह भी खुला हुआ है, मुंह बंद करके सोते हैं मक्खी चली जाती है अंदर। उसको कौन सा होश है? अच्छा आ गया होश, सुन लिया उसने, साथ ही बंद कर लिया। बातें तो सुन रहा है लेटा सारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और हमारे चैनल रिहान एंड मैक्स को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।